10 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के, जिष्णुदेव शर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया का। विकास, क्या बड़ी वजह है कोई इस बदलाव की और कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं ये भी बताएं। जी देखिए अदिति, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो नेता हैं बीजेपी के जो अपने अपने राज्य में काफी प्रभावशाली हैं, या तो ये लोकसभा चुनाव हार गए थे या इनको टिकट नहीं दिया गया था। जैसे संतोष गंगवार बीजेपी के 7-6 बार से बरेली के सांसद रहे, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था और इन्हें इस बार राज्यपाल बनाया गया है और इस बार वे झारखंड के उनको झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आपको बताऊं मैं कि जो आसाम से पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रहे रमन डेका, उनको महाराष्ट्र का उनको गवर्नर बनाया गया रमन डेका को। और इसके अलावा महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर रहे और बड़े नेता महाराष्ट्र के हरिभाई बागड़े को भी गवर्नर बनाया गया, उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आपको पता है कि महाराष्ट्र चुनावी राज्य है, इस साल वहाँ चुनाव होने हैं। मराठा आंदोलन और कोटा आंदोलन को मराठा कोटा को लेकर लगातार वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं और ऐसे में हरिभाई बागड़े को गवर्नर बनाया गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा त्रिपुरा से पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां के रहे हैं, उनको इस को भी गवर्नर बनाया गया, तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान से बड़े नेता बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहे, राज्यसभा सांसद रहे ओपी माथुर, एक समय वे खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में थे, अब उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा गया। इस बार उनका टर्म पिछले साल पूरा हो गया था, उन्हें सिक्किम का गवर्नर बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी के कर्नाटक के बड़े नेता सीएच विजय शंकर, जो कि 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस चले गए थे फिर वापस आ गए, उनको गवर्नर बनाया गया मेघालय का। तो इस तरह से ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और आपको बता दें कि ये वो नाम है जो अपने अपने राज्य में बड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नर्स के ट्रांसफर भी किए गए हैं, उसमें आपको बता दें गुलाबचंद कटारिया जो कि असम के गवर्नर थे, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। राजस्थान के बड़े नेता रहे गुलाबचंद कटारिया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिहार के नेता हैं, इनको दलित जाति से आते हैं, इनको सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है और इसके अलावा इनके पास जो है मणिपुर की भी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह ये जो नाम है ये महत्वपूर्ण नाम है, अपने अपने राज्यों में इनका एक कद है और अब इन्हें बीजेपी ने एक या तो राजनीति में एक तरह से कहा जाए कि उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां इन्होंने लंबा राजनीतिक अनुभव के बाद अब इनको गवर्नर बनाया गया, या फिर इनकी राज्य में भूमिका देखते हुए, उनकी जाति भूमिका देखते हुए उनको गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं और कई बड़े चेहरे हैं जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है।